ਨਾਜ਼ਿਮ ਸੋਤ ਕੋ ਪਟਕ ਨਾਈ ਕ ਨਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਇਹ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਕੋ ਕਾਲ ਸੀ ਸੰਚੀ किताब आप कहानी सुन सियान करवा चौथ की बिहावत है मुख जवानी मन खटे खटे बीच में सब बदरे जड़ गणेश भगवान के भी आप तिलक कर देवा तो मैं किताब ली हूँ किताब में सुना हाथ में थोड़ा चावल ले लेवा थोड़ा सो गुड़ ले लेवा कहानी सुना जना अब मैं कहानी खेलना शुरू करूँ ये भी सुनया एक सब करके साथ बेटा भाई एक बेटी थी सतुम भाई की बहन है न साथ लेकर जीमता कार्तिक लागत की चो साई भाई आपकी बहन ने बोलिया कि आप आओ भाई जिम्मा बहन बोली आज तो मेरे करवा चौथ को व्रत है सो चांद उगने के बाद में ही जीम छू भाई ने सोचा कि बहन तो भूखी रह सी सो एक भाई ने दियो लियो एक भाई ने चालनी लेकर टिब्बल के ओले होकर दियो चास कर चालनी से ढक दी और कहो कि बहन ने चांद उग गयो अर्घ दे ले बहन ने वा बहन आकर बोली कि आओ अर्घ देवा वा बहन चांद उग गयो वा भी बोली कि भाई जी थारो ही चांद उग गया हमारा तो रात ने उग सी बहन अकेली अर्घ देकर भाया के साथ जिमन ने बैठ गई पहले मुरिये में बाल आयो दूसरे में शिवाल आयो तीसरे में भाई भाई ने सास ने सु लोग लेवन आ गया भाई वो पाँव बहुत बीमार है सो जल्दी भेजो माँ ने भाई के पेरन खातर तीन बार बुगचो खोलो तीन ही बार धोलो भत्तो निकलो भाई ने जब धोलो ही पेरन ना करे सास रे भेज दियो माँ एक सोना कोटक को पल्ला कर बांध दियो और बोली कि रास्ते में कोई भी मिलन ने पकड़ लागती जावे और जिनकी इतने सुहा की आशीष देवे उन्हें ही सोने को इको इको पल्ले से गांठ कर दे दियो रास्ते में सब जना भाई का सुख देख की आशीष देती गई कोई भी सुहा को आशीष को नहीं दियो सासरा का दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी थी बंग पकड़ लगी तो वो बोली शील सपूती हो सात कूद की माँ हो और मेरा भाई का सुख देख सोना को टको ननद ने देकर पल्ला का गांठ बांध ली भीतर गई तो सासु पिंडो को नी गालियो बोली ऊपर मरेड़ो पड़ियो है बैठे जाकर बैठ जा ऊपर गई देखो तो धनी मरेड़ो पड़ियो है उनके बैठ गई और उनसे श्यामण लाग गई बिक्की सासु रोजिना बच्ची कुची रोटी दासी ने देकर भेज देती कहती मरेड़े शिवड़ा ने रोटी दिया थोड़ा दिन बाद मिंग सर की जो था ये और बिन्ना बोली करो ले जदबा बोली कि हे जो माता ये उजड़ी हुई आप ही सुधारो मेरी मैंने तो मारो स्वाद देना पड़ सी जो माता बोली कि पो की जो था सी वाह मेरे से बड़ी है वाह तने स्वाद देसी यहाँ करता करता सारे महीना की जो था आती गई सब ने यही कहती गई फिर बड़ी चौथ आगी बात ने सुहाग देसी फिर असोच की चौथ आई उनको बोली कि कार्तिक जो तेरे पर नाराज है तू उनका पग पकड़ लिए भाई तेरो सुहाग देसी पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली भैया की प्यारी कर बोले दिन में चांद उगानी कर बोले धनी भुखानी कर बोले व्रत मांडनी कर बोले सौकार की बेटी बिका पग पकड़ लिया और रोने लगी और बोली ये तो माता मेरो स्वाग तो थारा हाथ में था नहीं देना पड़सी पड़सी तो माता बोली कि पापी नहीं हत्यारी मेरा पग क्यों पकड़े कर बैठी है बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थारे ही हाथ है था नहीं सुधारना पड़सी मन तो स्वाग देना ही पड़सी तो माता राजी होगी और आंख में से काजल काट के नुआ में से मेहंदी काटी टिक्का में से रोली काट कर चिटली आंगली फूं छांटो दियो छांटो देता ही उन रो धनी उठ कर बैठ गया और बोलो कि बहुत सुत्यो बा बोली कि के सुत्या मैंने तो थारे कने बारह महीना हो गया सेवता सेवता चौथ माता ने स्वाग दिए धनी बोले कि चौथ माता को
उजनो करा जदबा चौथ माता की कहानी सुनी करो मिलसियो चूरमो बनायो दोनों जना जिम्मण कर चौपड़ पासा खेलने लाग्या नीचे सुन ससू दसी में ते हाथ में रोटी भेजी दसी चौपड़ पासा खेलता देख ससू ने आकर बोली कि बे दोनों जना तो चौपड़ पासा खेले ससू ऊपर आई तो देख कर बहुत खुश हुई और पूछो कि ये सब किया हो बहु बोली कि मैंने तो चौथ माता ने सुहाग दियो है सासू के गला लाग दी सासू सुहाग की बहुत आशीष दे सारी नगरी में हेलो फेरा दियो पुरुष की लुगाई बेटा की माँ सब कोई चौथ का व्रत करियो तेरे चौथ का व्रत करियो ये चौथ माता जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो जिसो सब ने दियो कहता ने सुनता ने हंकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो जय चौथ माता की। रोजिना गणेश जी की पूजा करती गणेश जी रोजिना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग है बुढ़िया माई कहती मन तो मांगना को नहीं आवे गणेश जी बोलता अपना बेटा बोन ने पूछ ले गणेश जी कहता भाई तेरे बेटा बोन ने पूछ ले मांगना नहीं आवे तो जब बा अपना बेटा बहु बेटा से पूछी तो बेटो बोले कि माँ धन मांग ले बहु ने पूछे तो बा बोले कि सासू जी पोतो मांग लो बुढ़िया माई सोची ये दोनों तो आपका मतलब की मांग है सो पड़ोसन ने जाकर पूछा कि पड़ोसन ने जाकर बोली कि गणेश जी मन ने कहे कि कुछ मांग ले तो पड़ोसन बोली कि रामारी क्यों तो धन मांगे क्यों पोतो मांगे थोड़ा दिन जीव सी सो गिद्धा घोड़ा मांग ले घर आकर बुढ़िया माई सोची कि बेटा बहु भी राजी हो जे जिकी भी मांगनी चाहिए आपने का मतलब को भी नहीं मांगना चाहिए। दूसरा दिन गणेश जी आया बोलिया कि कुछ मांग बुढ़िया कुछ मांग माई बोली कि दीदा घोड़ा दे सोने के कटोरे में पोता ने दूध पिंतो देखूं अमर स्वाग दे निरोगी काया दे भाई भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे मोक्ष दे। गणेश जी बोलिया कि बुढ़िया माई तो मने ठग लियो सब कुछ मांग लियो पर ठीक है तेरे यही ही हो जासी। गणेश जी अंतर ध्यान हो गया बुढ़िया माई कह सब कुछ दिया ही हो गयो हे गणेश भगवान जिसो बुढ़िया माई ने दियो उसे सब ने दी कहता ने सुनता ने हमारा भक्ता ने अपने सारा परिवार ने दी जय गणेश भगवान की। करवा चौथ और विनायक जी की कहानी थाने क्या लगी के कमेंट कर बताया मारे तो जिया एक कहानी के वहां के एक हो के बहुत कमेंट में लिख दिया चांद का टाइम तो 9:15 बजे अभी आपकी बार बादल कोनी नहीं जरा अपन 9:15 या 9:30 बजे तक दिख जी सी भी बाद में आपका खानो खा सिया आज पूरे दिन भूखा ही यहाँ दिया पेट में थोड़ा थोड़ा बिल्लिया लड़न लग गया अब छोटा दिन अभी ठंडा दिन आ गया तो भूख ज्यादा लग गए मन ये चौथ में क्या भाई जित देर कहानी ने चांद ने उग गया जित देर आप की खा पी कौन सकानी करवा चौथ की मेरी तरफ से माता और बहना ने एक बार फिर से घनी घनी शुभकामनाएं मिला कल नए ब्लॉग में बहुत बहुत धन्यवाद।